शोभा और आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही शिमला। तो आइए जानते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। ये देखिए, मैं एक बड़े साइज की शिमला ली थी, उसे इस तरह से पतला पतला मैंने काट लिया है। एक पनीर का टुकड़ा है, इसे कद्दूकस करना है। एक बड़ी प्याज, सरसों तेल, आधा कटोरी पानी, हरा मिर्च, पोस्तू थोड़ी सी, मगज थोड़ा सा, काजू, हल्दी पाउडर, जीरा, गोलकी, लहसुन। तो इन सभी चीज़ों को पहले मुझे पीस लेना है। लहसुन को, गोलकी को, जीरा, हरा मिर्च, पोस्तू, मगज और काजू। आइए पहले इन सारी चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये मसाला पीस लिया है। अब मैं गैस पे पहले कढ़ाई बैठाऊंगी, उसे गरम करके फिर मुझे ये तेल डालना है। तो ये देखिए, मैंने गैस पे कढ़ाई बैठा दिया है। अब मैं इसे तेल डालूंगी इसमें इस तरह से। इसे गरम होने के बाद फिर मैं पहले प्याज को फ्राई करूंगी। तो ये देखिए, अभी हमारा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें सबसे पहले प्याज डालूंगी, थोड़ा सा एकदम हल्का, 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी, फिर मैं इसमें शिमला डालूंगी। तो ये देखिए, ये हल्का सा ब्राउन हुआ है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी ताकि इसे भी हल्का भून लेना है, हाफ बॉइल जैसा इस तरह से। अब इसे ढक करके रखना है। तो आइए, जब तक वो सब्जी भून जा रहा है शिमला, तब तक मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये अब हमारा भून जा चुका है। अब मैं इसमें ये मसाला डालूंगी। अब इसमें नमक डालूंगी, नमक, हल्दी पाउडर, इसे डाल करके अच्छे से मिलाना है। अब मैं इसमें ये जो पानी ली थी, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, थोड़ा से, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अब ये जब मसाला भुन जा जाएगा तब मैं इसमें ये पनीर डालूंगी। ये देखिए, अब ये हमारा मसाला भुन जा गया है। अब मैं इसमें ये सारी पनीर डालूंगी जो मैं कद्दूकस करके रखी थी। इसे मिलाना है अच्छे से, सिर्फ 2 मिनट के लिए खाली भूनना है बस। तो ये देखिए, ये 2 मिनट हमारा भून जा गया है। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इस तरह से। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने के लिए हमें छोड़ देना है ढक करके। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा सब्जी अच्छी तरह से बनके तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा शाही शिमला बनकर तैयार है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।